आज़ादी के कई दशक गुजरने के बाद भी बटियात क्षेत्र के कई गांव सड़क से नहीं जुड़ पाए हैं, लिहाजा विकास के दावे अब तक यहां हवाई किले ही नजर आते रहे हैं। हालांकि सड़क का काम शुरू होने से बित या काला नाल के हजारों ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। बटियात क्षेत्र की ग्राम पंचायत बलेरा के गांव बित और काला नाल को सड़क से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण कार्य मंगलवार को शुरू हो गया। इस सड़क के निर्माण से हजारों लोगों को राहत मिलेगी। जिला परिषद सदस्य सुभाष साहिल ने बताया कि जिला परिषद हेड से इस सड़क का निर्माण शुरू हुआ है। इस सड़क के निर्माण के लिए 2 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इस मौके पर ग्राम पंचायत बलेरा के प्रधान रानी देवी, उप प्रधान मनजीत कुमार और ग्राम पंचायत सिंहुंता की प्रधान सपना देवी मौजूद रही। सड़क निर्माण का कार्य शुरू होने के इस अवसर पर गांव बीत काला नाल और गुईदार के लोग भारी संख्या में उपस्थित रहे। वहीं स्थानीय लोग इस सड़क का निर्माण शुरू होने से खासे खुश हैं। लोगों ने इसके लिए जिला परिषद सदस्य सुभाष साहिल का आभार प्रकट किया है। हमारे ENTV संवाददाता द्वारा बातचीत करते हुए जिला परिषद सदस्य उदयपुर सुभाष साहिल ने बताया कि इसके अलावा अब तक सड़क सुविधा से महरूम कुछ और गांवों को जल्द ही सड़क सुविधा से जोड़ दिया जाएगा। आज ग्राम पंचायत बलेरा के गाँव हित को और काला नाल को सड़क से जोड़ने के लिए सड़क के कार्य का आरम्भ किया गया। जिला परिषद हेड से इस कार्य के लिए जो बजट है वो उसको पास करवाया गया है और ग्राम पंचायत बलेरा के जो बाकी गांव हैं जैसे और पंजीनाल, इन गांवों को भी सड़क से जोड़ने के लिए शीघ्र ही जो है वो कार्य शुरू किया जाएगा। और इस कार्य को करवाने के लिए ग्राम पंचायत बलेरा के प्रधान श्रीमती रानी देवी जी, उप प्रधान श्री मंजीत कुमार जी और ग्राम पंचायत जीवंता के प्रधान श्रीमती सपना देवी जी का विशेष योगदान रहा है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको जल्दी से क्लियर करवाया। गांव पंचायत बलेरा के सभी लोगों को और गांव भीत के और कालादार के लोगों को इस रोड के लिए बहुत बधाई। बता दें कि इस सड़क के बनने से इन गांवों को लगभग 2000 की आबादी सड़क सुविधा से जुड़ पाएगी। बकलो से कैमरामैन भूषण गुरुंग के साथ पुनीत शर्मा की रिपोर्ट।